Hello guys, this is Shortcut to Pass MU and here we are putting a video on CAD/CAM CAE. The topic is Coinsense Sunderland Line Chipping Algorithm. ओके इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था डिसम्बर 16 में. इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ. लाइन चिपिंग मीन्स ये विंडो का सम है. ओके जो भी आपका एक आपको एक विंडो का एक आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी. उसके बाद आपको लाइंस दिए रहेंगे, लाइंस के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे. मीन्स अभी लाइन यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, लाइंस कहाँ पर भी हो सकता है. ओके तो उसके कैसे सॉल्व करना रहता है वो आपको बताता हूँ. मीन्स कंप्यूटर कैसे ग्राफिक्स करता है. मीन्स आपको यहाँ से यहाँ आपको एक सी और डी करके एक लाइन दिया है, पर जो विंडो के अंदर है उतना ही आपको लाइन चाहिए रहता है. मीन्स डी डैश तक की. जो बाहर का है वो आपको ट्रिम करने का रहता है. ये वाला वो पोर्शन कैसा ट्रिम होता है, कंप्यूटर कैसा वर्क करता है, उसका कोडिंग्स क्या है, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको. और एक है टी बी आर एल. टी मीन्स टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट. ओके इसके ऊपर वो रीजन कोड आपका रहता है, वो कैसे निकालने का वो भी बताता हूँ मैं आपको. एक सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और आपको चार फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा कि सम में कहाँ पे यूज़ होंगे बराबर से. ठीक है, एक्स मीन इज इक्वल टू मीन्स एक्स मीन वाई इज इक्वल टू एम एक्स मीन वन माइनस एक्स वन प्लस वाई वन. दिस इज फॉर लेफ्ट. ओके सेकेंड फार्मूला इज फॉर एक्स मैक्स, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स मैक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन. दिस इज इक्वेशन फॉर फार्मूला फॉर द राइट. ओके बाद में वाई मैक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम वाई मैक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वन. दिस इज फॉर टॉप. एंड फोर्थ वाई मीन, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एम वाई मीन माइनस वाई वन प्लस एक्स वन. दिस इज फॉर बॉटम. ओके ये आपको चार फॉर्मूले याद रखने हैं. उसके बाद आपको ये मालूम रहेगा आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं. स्लोप एट द मीन्स यहाँ पे उसको एम बोलते हैं, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके ना अभी एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर जो डिसम्बर 16 में पूछा है आपके यूनिवर्सिटी पेपर में MU. ओके द क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर चिपिंग विंडो हैज लोअर लेफ्ट कॉर्नर. ओके लोअर लेफ्ट कॉर्नर इज एट 1.2 एंड अपर राइट कॉर्नर एट 9.8. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर 11.6, 11.10, 6.6, 8.9, 2.3 एंड 8.4 रिस्पेक्टिवली. ओके परफॉर्म
chipping on the line segment AB, CD and EF. These are your lines using Cohen-Sense Sunderland algorithm. ये आपका क्वेश्चन है, ओके, जो एम एग्ज़ाम में आया हुआ है, एक ही बार आया है, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ फॉर 10 मार्क्स, ओके, ये टाइम भी आ सकता है, ठीक है. इसका अभी मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं. अभी यहाँ पे आपको पहले ग्राफ निकालने का, ठीक है, जो अभी आपको विंडो जो आपको ये दिया है, जो रेक्टेंगल, वो आपको पहले क्या बोला है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज़ अ मेन पॉइंट, मीन्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 1 और 2 दिया है कोऑर्डिनेट. मीन्स अब हम लोग प्लॉट करेंगे पहले, दिस इज़ अ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, दिस इज़ योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, जो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर मीन्स आपका यहाँ का, यहाँ पे आपको 1 और 2, मीन्स 1 और 2 यहाँ का ये पॉइंट है आपका, ठीक है. बाद में आपको बोला है अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर 9, 8, मीन्स आपको 9 एक्स एंड 8, ओके, मीन्स मैं अप्रोक्सीमेटली आपको ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट, दिस इज़ योर 1.2 एंड दिस इज़ योर 9.8, ओके, इससे आप एक विंडो फॉर्म करेंगे, मीन्स एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स आपको ए बी सी डी ई एफ का आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, और आपके लाइन कौन सा है, ए बी, तो ए बी का क्या है कोऑर्डिनेट, दिस इज 11 एंड 6 एंड 11 एंड 10, मीन्स आपका ये इसके बाहर ही जा रहा है, मीन्स ये लाइन ऐसे आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी, ओके, पॉइंट्स. देन सी डी प्लॉट करने का है, 6, 6 एंड 8, 9, 6, 6 एंड 8, 9 कहीं पर यहाँ पर आ रहे, दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर डी, ओके. देन आपको ये आपका सी और डी का हो गया लाइन कोऑर्डिनेट से. अभी आपको ई और एफ का देखने का, ई और एफ लाइन है 2, 3 एंड 8, 4, 2, 3 एंड 8, 4, इट विल बी कमिंग इनसाइड द बॉक्स, ओके, मीन्स इनसाइड द विंडो, हो गया. अभी आपको ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ. ग्राफ हो गया जो निकालने का था. अभी लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी के लिए, ओके, ए बी इज़ आउटसाइड द विंडो, ये विंडो के बाहर है, तो इसका चिपिंग मीन्स उसका क्लिपिंग का ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली रिजेक्ट होता है, जो भी बॉक्स के बाहर है कंटेंट वो डायरेक्टली रिजेक्ट होता है, पर आपको उसको थोड़ा दिखाना पड़ता है सॉल्व करके कैसा वो आउटसाइड है करके. मीन्स आपको मैं टी बी आर एल, मैं आपको बोला था टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट, बाद में यहाँ पे रीजन कोड ऑफ ए, रीजन कोड ऑफ ए, ओके, तो ए कहाँ पे आपका पॉइंट, जो बॉक्स के बाहर है, मीन्स ये आपका राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में तो आपका राइट 1 रहेगा और बाकी सब 0 रहेंगे, ठीक है. और रीजन कोड ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ पे, टॉप में भी है और राइट पर भी है, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे टॉप पे 1 और राइट पे 1, बाकी सब 0 है, ठीक है. नाउ
एंड गेट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर वन आएगा ज़ीरो, दिस इज़ योर नॉन ज़ीरो टर्म, नॉन ज़ीरो टर्म, दिस इज ऑल्सो नॉन ज़ीरो टर्म। जब तीनों भी नॉन ज़ीरो रहेगा तब आपका जो भी लाइन रहेगा मीन्स आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो बॉक्स के मीन्स विंडो के बाहर रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर लाइन ए बी इज रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो बॉक्स के बाहर है, बिकॉज नॉन ज़ीरो इंडिकेट्स दैट द लाइन ए बी डज नॉट लाइज इन द विंडो, ओके। ये आपको स्टेटमेंट मेंशन करना है वहाँ पे। अभी सेकेंड लाइन जो है, लाइन सेगमेंट सी डी, ओके, सी डी आपका विंडो के अंदर भी है और विंडो के बाहर भी है, तो आपको ये पार्ट पोर्शन ट्रिम करना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है उसका कोडिंग, यहाँ पे टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ओके। इसके बाद रीजन कोड ऑफ सी, सी का कोड क्या है, अभी सी सी यहाँ पर एक एक कोऑर्डिनेट अंदर है और एक कोऑर्डिनेट बाहर है, ठीक है। तो जो अंदर कोऑर्डिनेट है, जो बॉक्स के अंदर कोऑर्डिनेट रहेगा वो आपका सब जीरो। रीजन कोड ऑफ सी जो है, जो अभी एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट बाहर है ना, तो ये बॉक्स के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो आपका जीरो 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 रहेगा सब, ओके। मीन्स आपका टी ज़ीरो, बी ज़ीरो, आर ज़ीरो और एल ज़ीरो, ओके। और रीजन कोड ऑफ डी, डी का रीजन कोड ये टॉप पे, ठीक है, तो टॉप आपका वन रहेगा, बाकी सब ज़ीरो रहेंगे। उसके बाद एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये भी ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे इट मीन्स दैट सम पार्ट ऑफ द लाइन इज इनसाइड द विंडो, ठीक है। दिस इज़ योर ज़ीरो नॉन ज़ीरो, दिस इज द आंसर इज ज़ीरो, ओके। देयरफॉर इट इज़ इनसाइड द विंडो, ओके, फॉर दिस कंडीशन। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट, ओके। स्लोप एट लाइन सी डी मीन्स एम सी डी आपको फाइंड करना है। स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे आपका y2 मीन्स आपका C और D के जो भी कोऑर्डिनेट्स है, C और D के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दैट इज 6 और 6 और 8 और 9, ठीक है। उसका मीन्स y2 इज 9, y1 इज 6 और 8 - 6, दिस इज 3/2 इक्वल टू 0.1.5, ओके। दिस इज योर स्लोप। फिर आपको जो आपको मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताए थे मीन्स ये डायग्राम में ये पॉइंट टॉप पे, ठीक है, तो टॉप का जो आपका फॉर्मूला है, टॉप का जो फॉर्मूला है ये वाला, आपको वो वाला यूज करने का, ठीक है, मीन्स y मैक्स वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 1/m y मैक्स माइनस y1 प्लस x1, ओके। ये टॉप वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी।
ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है और एक्स का आंसर निकालने का है। वन अपॉन एम इज़ 1.5 स्लोप, वाई मैक्स, अभी वाई मैक्स हम सम से ये करेंगे जो दिया है हमें। यहाँ पे आपका मैक्स क्या है, वाई, ये वाला, दिस इज़ योर वाई मैक्स मीन्स 8, ओके। तो 8 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, 8 माइनस वाई वन इज 6 प्लस एक्स वन इज ऑल्सो 6, एक्स इज इक्वल टू 7.33, ओके। और ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। अभी y का क्या रहेगा, y आपका ये वाला है डी डैश, ओके। डी डैश क्या है, ये आपका 8 है, ठीक है, मीन्स आपका y कोऑर्डिनेट 8 हो गया। देयरफॉर लाइन सी डी इज 7.33.8 लाइज इन द विंडो, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सी डी। अभी जो लास्ट लाइन है सेगमेंट, उसका सॉल्यूशन ई एफ, ओके। उसका आपको कोऑर्डिनेट्स सब दिया हुआ है, ठीक है। ई एफ का भी रीजन कोड ऑफ ई, ओके, टी बी आर एल, ओके। ई का रीजन कोड क्या रहेगा, ई, ये पॉइंट दोनों भी अंदर है, ई और एफ, ठीक है। तो इसका सब 00 है, जो विंडो के अंदर है वो सब 00 ही रहता है, और रीजन कोड ऑफ एफ वो भी सब 0 है। तो एंड ऑपरेशन क्या आएगा, 0, ओके। तो ये 0 है आपका, ये 0 है, और ये भी 0 है, मीन्स ये सब 0 रहेंगे तब आपका जो लाइन रहेगा वो इनसाइड द विंडो रहेगा। मीन्स देयरफॉर लाइन ई एफ लाइज इनसाइड द विंडो, नो क्लिपिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि क्लिपिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉक्स से बाहर नहीं है ना, इसलिए उसका जरूरत नहीं है क्लिप करने के लिए। जो बॉक्स के बाहर रहेगा उसको, वो रिजेक्टेड होता है, वो क्यों रिजेक्टेड होता है उसका आपको सॉल्यूशन बताने का है, वो नॉन ज़ीरो होता है करके। और जो अंदर रहेगा लाइन और बाहर रहेगा, मीन्स एक कॉर्नर बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा, उसको आपको सॉल्व करके वो ट्रिम करने का लाइन, ओके। दिस इज़ अ कंसेप्ट फॉर दिस सम, और ये डिसम्बर 16 में आया हुआ है MU के पेपर में, यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, ओके। थैंक यू गाइज, दिस इज़ एंड सब अवर चैनल, थैंक यू।